हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले पॉलीकैब वायर के ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान कैसे की जाए। आज की वीडियो देखने के बाद आपके जहन से ये डाउट खत्म हो जाएगा कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट पॉलीकैब वायर को कैसे पहचाने। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर वाले बटन से हाथ मिलाइए और घंटा हिला दीजिए, जिससे आने वाला सर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आप इसका बॉक्स देखेंगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट, तो उसी से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि वायर जो है ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। क्योंकि जो ओरिजिनल वायर होते हैं, ये जो लिखे हुए अक्षर हैं, जब इस पर आप रफ करेंगे तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा आपको लगेगा। लेकिन से जो डुप्लीकेट वायर होते हैं, जब उस पर आप रफ करेंगे तो ये नॉर्मल फिनिशिंग प्रिंटिंग होती है, इस वजह से आपको पता चल जाएगा। और फिनिशिंग में भी काफ़ी ही डिफरेंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो ये होता है, इस पर जो चीज़ें लिखी होती है काफ़ी ही क्लियर होती है, लेकिन जो डुप्लीकेट वायर होती है उसमें कुछ फब्दा फब्दा होता है। और यहाँ पे भी जो पॉलीकैब लिखा है, इस पर भी जब आप अपने हाथों से रफ करेंगे तो आपको खुरदुरा यानी उभरा हुआ हिस्सा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आपको पॉलीकैब वायर ऑथराइज डीलर या ऑथराइज रिटेलर से ही परचेज करना चाहिए। इसका एक पहचान करने का तरीका यह भी है, ये जो QR कोड आप लोग देख रहे हैं, एक यहाँ पर और एक जो यहाँ पर अंदर होता है इलेक्ट्रीशियन का, जब इसको आप अपने नंबर से स्कैन करेंगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। 1.1 रुपये के बराबर होता है। अगर आपको स्कैन करने पर 10 पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि ये वायर 100% OG है, यानी ओरिजिनल वायर है। और अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो यानी कि ये वायर जो है अपना डुप्लीकेट है। पॉलीकैब डुप्लीकेट वायर को पहचानने का एक तरीका यह भी है, जब इसमें आप आग लगाएंगे तो ये अजीब सी स्मेल करेगी और आसानी से इसकी PVC में आग लग जाएगी। लेकिन जो ओरिजिनल वायर होते हैं उसमें आसानी से आग नहीं लगती हैं, और लगेंगी भी तो बहुत कम मात्रा में इससे धुआं होगा। इस तरीके से भी आप डुप्लीकेट वायर की पहचान कर सकते हैं। जो इसका PVC होता है वह काफ़ी ही पतला होता है, लेकिन जो डुप्लीकेट वायर होगा उसकी PVC मोटी, जबकि इसके जो कॉपर हैं, ये जो कोर हैं, ये काफ़ी पतले आप लोग को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो ये आप लोग देख रहे हैं, इस पर पॉलीकैब ग्रीन 1SQ MM वायर लिखा है। जो डुप्लीकेट वायर होता है, जब उसको आप अपने हाथों से कुछ इस प्रकार से रफ करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद वो मिटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो OG वायर होता है, उस पर आप कितना देर भी अपने हाथ से रफ करेंगे वो नहीं मिटेगा। तो इस तरीके से भी आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट वायर की पहचान कर सकते हैं। और जो इस पर लिखा है इसकी फिनिशिंग, और जो डुप्लीकेट वायर होता है उसकी फिनिशिंग में भी काफ़ी डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें लगी इस रस्सी के माध्यम से भी आप OG और D वायर को पहचान सकते हैं। जो OG में लगा होता है, वो जो ये रस्सी लगी होती है, ये इलास्टिक होती है। लेकिन जो D वायर होता है, उसमें नॉर्मल सी रस्सी लगी होती है। दोस्तों, एक इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं, इस माइक्रो गेज से आप वायर की मेजरमेंट करके भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट वायर की पहचान कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो किसी और वीडियो में मैं माइक्रोमीटर से इसकी गेज को नापकर आप लोग को OG और D वायर की पहचान करना सिखा दूंगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।